मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज। आज हम आपको बताएंगे साक्षर एनजीओ के बारे में। ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लॉकडाउन में भी लोगों की मदद कर रही है, राशन और खाना लोगों को पहुंचा रही है। यहां तक कि 25 तारीख ईद के दिन बिहार जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई थी, इसमें भी लोगों की इस एनजीओ ने मदद करी। बांगूर नगर पुलिस स्टेशन से लेकर वो यात्री किस तरह स्टेशन तक गए, अपने मंजिल तक किस तरह पहुंचेंगे, इसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। मुंबई के पालक मंत्री श्री असलम साहब यहाँ पे आए हैं आप लोगों को मिलने के लिए। आज ईद है, आज का जो दिन है अच्छा दिन है, लेकिन आप लोग जो गांव जा रहे हैं, जो बीमारी है, बीमारी की वजह से जा रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे मिलने के लिए और आपकी खुशहाली, आपकी जो बीमारी की वजह से जाने की जो आपका जो प्रॉब्लम है वो जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं सर को विनती करती हूँ कि वो दो शब्द आपके लिए जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। थैंक यू। सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे इस देश के वासियों सबको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने आप लोगों के लिए केंद्र सरकार से आप लोगों के जाने के लिए सारी ट्रेनें मांगी हैं। आज एक ट्रेन मेरे ख्याल से जो बिहार की है वो कैंसिल हुई है। दरभंगा के जाने वाले लोग जो यहाँ पर हैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेन जो हमें मिलनी थी वो किसी कारण हमें मिली नहीं है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे टोकन दे दिया गया है और आप लोगों को आज के बदले कल वहाँ पे जाना है। कल आप लोग यहीं पे इस तरीके से आएंगे, हम लोग भी डिपेंड है कि वहाँ से ट्रेन आई तो जल्दी से जल्दी आपको छोड़े। जो किराया उन्होंने मांगा वो राज्य सरकार ने भर दिया है। मैं परसों भी यहाँ पे आया था, उस दिन भी करीबन 1000 लोग से ज़्यादा यहाँ से गए थे और यहाँ पे आज काफ़ी वक्त से आप लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ से देरी होने की वजह से अब जो लोग यहाँ आए हैं उन लोगों की व्यवस्था उस हिसाब से की थी कि आप लोगों को आपके ट्रेन में जाने के हिसाब से यहाँ पे बसें लगाई थी। अब 4-5 घंटा ज़्यादा लेट हो गया तो आप लोग चिंता नहीं करिए। अभी हमें यहाँ की जो सीनियर इंस्पेक्टर पीसे मैडम ने बताया कि ये जो मजदूर बेचारे काफी वक्त से यहाँ पे हैं। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471111। धन्यवाद।